बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद में पंचायत चुनाव शुरू होते ही मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मामला सामने आने लगा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि मामले की शिकायत के बावजूद जिला निर्वाचन ने इसे गंभीरता से अब तक नहीं लिया है। मामला मैनपुर ग्राम पंचायत का बताया जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पंचायत सचिव के साथ मिलकर दूसरे वार्ड के तमाम मतदाताओं का नाम अपने वार्ड में दर्ज करवा लिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने 20 दिन पहले जिला निर्वाचन से की थी। मामले की जाँच के लिए एक टीम भी गठित की गयी, लेकिन जाँच अब तक अधर में लटकी हुई है। ग्रामीणों को शक है कि रसूखदार इसका सीधा फायदा चुनाव में उठा सकते हैं और ग्रामीणों ने अब तक मामले की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से करने का मन बनाया है। तो वहीं जिला निर्वाचन से जुड़े तमाम अधिकारी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिला रहे हैं। वार्ड क्रमांक 6 एवं 13 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा एवं कुछ लोगों के मिली भगत से मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी किया गया है, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय, अपर कलेक्टर महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी सीओ मैनपुर, तहसीलदार साहब को सबको दिया गया है। बैंक द्वारा शिकायत किया गया था कि मतदाता सूची को फेरबदल किया गया है। हमने हमारे शहर विकास विस्तार अधिकारी सांडिल जी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किए हैं और जिसे फोन के द्वारा अवगत कराया गया कि जाँच कम्प्लीट हो चुके हैं। जैसे जाँच को प्रतिवेदन आता है तो हम निर्वाचन कार्यालय में उसको प्रेषित करेंगे। उसके बाद जो जहाँ पे अगर दोषी पाया जाता है उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। Yes, sir.